बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मौजूद नाज़रीन को खुश आमदीद। अशर शरीफ और सिद्दीक जान से मुतल्लिक एक नई अपडेट लेके आपके इस खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या है और इसकी नौबत क्यों पेश आई, इसका पस मंज़र क्या है, अशर शरीफ ने ऐसा क्यों किया। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अशद शरीफ, उसने अदील राजा, अपने प्रोड्यूसर अदील राजा और अपने बाकी टीम के साथ मिलकर सिद्दीक जान को मारा है। और ये कैसे वाकया पेश आया, गवादर के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीब थी जहां पे सहाफ़ियों को वहां पे मद्दू किया गया था कि कवरेज के लिए, और एक हाल के अंदर बैठे थे अशर शरीफ और उसके प्रोड्यूसर और उसके बाकी टीम के मेंबर खाना खा रहे थे। सिद्दीक जान जैसे ही फ्री हुए वहां से तो उस साइड से वो गुजरने लगे, अशर शरीफ उठे और उन्होंने मुक्का उसके सर पर मारा और उसी वक़्त सिद्दीक जान वहाँ ज़मीन पर गिर पड़े। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरे और उस वक़्त उसकी जो टीम के हमरा अदील राजा और बाकी उसके साथी है उन्होंने लातों और घोंसों से उसकी अच्छी तरह उसको मारा। और उसके बाद उसकी जेब में जो मोबाइल था यहाँ तक कि वो भी टूट गया। और जब तक उन्होंने अपना दिल ठंडा कर लिया उसके बाद जो इधर उधर सिक्योरिटी एहलकार थे वहां पहुंचे। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब फॉरनर आए हुए थे और वहां पे चाइनीज की बहुत बड़ी टीम वहां पे आई हुई थी और वो क्या इमेज लेके जाएगी वहां पे, और इसकी वजह क्या थी कि एक डेढ़ महीने मुबैना तौर पर सिद्दीक जान के एक दोस्त हैं, उनकी जो अहलिया है उनका इस दुनिया से रुख्सत हो गई थी। और इल्ज़ाम ये ऐद हुआ कि उसके जो दोस्त हैं सिद्दीक जान के अलवी साहब, उसने खुद उसे जो मारा है उसके कत्ल के पीछे उसका हाथ है। तो साथ सिद्दीक जान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था अरशद शरीफ और उसकी टीम की तरफ से। ट्विटर के ऊपर ये बहुत मसला जारी रहा, एक दूसरे से गालम गलोच और बहुत ज़्यादा नीचे तक बात चली गई थी। और फिर इसके रिप्लाई में सिद्दीक जान ने भी इसका थोड़ा बहुत रिप्लाई दिया अपनी सफाई में भी, और उनको जैसे अरशद शरीफ और उसकी टीम उसको जवाब दे रही थी वैसे ही अब इस वाक्य का गुस्सा था। और एक और सहाफ़ी हैं उनके कहने के मुताबिक इस वाक्य के बाद एक से दो दफ़ा अशर शरीफ और सिद्दीक जान की मुलाकात भी हुई लेकिन उस मौके पे उसको गुस्सा नहीं आया। लेकिन ऐसा मौका जहां पे फॉरनर आए हुए थे और उस वक़्त चाइनीज़ की बहुत बड़ी टीम थी, वो क्या इमेज लेके जाएगी, उस वक़्त वो मौजूद थे उनके सामने ये वाकया पेश आया, वो क्या सोचेंगे कि एक टीवी स्टार जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह पाकिस्तान की कवरेज करते हैं टीवी स्टार जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं तो इसकी आवाम कैसे होगी, वो क्या मैसेज लेके जाएंगे। तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसे मौके पे नहीं होना चाहिए था। अगर आपको गुस्सा भी था अशर शरीफ तो ऐसा आपने ऐसे मौके पे नहीं करना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चलाया हुआ है अशर शरीफ को अरेस्ट करो, अशर शरीफ अरेस्ट का टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर इस वक्त, और बहुत सारे लोग अशर शरीफ के खिलाफ हैं इस वक्त, क्योंकि सिद्दीक जान एक कूल माइंड पर्सनैलिटी हैं और जब वो किसी चीज़ से उन्हें मना किया जाए तो वो रुक जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि वो झूठ नहीं बोलते, जो भी खबर होती है वो सच बोलते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे राबता किया जाए, उनसे माजरत की जाए किसी मामले में कि वो रुक जाते होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सिद्दीक जान को जानते हैं और अशर शरीफ को भी जानते हैं, ARY की माया नाज हस्ती हैं। और जो सिद्दीक जान है वो YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं और बहुत बड़ी मकबूलियत है उनकी YouTube के ऊपर। तो आज की वीडियो आपको मैंने बता दिया है कि असल में हुआ क्या था और इसका पस मंज़र क्या था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने राय ज़रूर देनी है कि किसकी गलती है, क्या ऐसा अशर शरीफ को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर उसने एक ऐसे
मुनज्जम, और उस वक्त ये वाक्या पेश किया जब फॉरनर और चाइनीज वहां पे दूसरे मौजूद थे, तो क्या ऐसा करना कितनी बड़ी गलती है अरशद शरीफ की, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह नेहबान, अस्सलाम वालेकुम।